हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ अलसी का पराठा। अलसी बहुत ही पौष्टिक होता है खाने में और कई बीमारियों से हमें बचाता है। तो आइए देखते हैं पराठा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। मैंने लिया है अलसी का पाउडर। अलसी को मैंने तावे पे भून लिया था और फिर उसे मैंने मिक्सी में पीस लिया था और इस तरह से उसका पाउडर बना लिया है। और मैंने लिया है गुड़ का बूरा। जितना मैंने अलसी लिया है उससे थोड़ा ज़्यादा मैंने गुड़ का बूरा लिया है। और गेहूं का आटा लिया है 3 कप के करीब और घी लिया है। अब मैंने आटा गूंथने के लिए एक थाली ले लिया है। अब उस थाली में मैं आटे को डालूंगी। अब मैं इसमें 2 चम्मच के करीब घी डाल देती हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा अच्छे से मिक्स हो जाए हमारा आटा, फिर हम इसमें पानी डाल के आटे को गूंथ लेंगे। अब आटे में घी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को, जैसे हम रोटी बनाने के लिए गूंथते हैं उस तरीके से हम अच्छे से नरम आटा गूंथ लेंगे। मैंने ये नरम आटा गूंथ लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। अब पराठे की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने गुड़ लिया है और अलसी पाउडर लिया है। तो गुड़ के बूरे के अंदर अब मैं अलसी पाउडर को मिक्स कर दूंगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप जितना मीठा खाना चाहते हैं उसके अनुसार आप इसमें गुड़ डालिए। यह हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है। अब हम पराठे बनाने की तैयारी करेंगे। मैंने अब आटे का थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ लिया है। अब मैं इसे पहले थोड़ा सा ऐसे दबा कर लंबा कर लूँगी। इसमें मैं थोड़ा सूखा आटा लगा ले रही हूँ। दबा देंगे थोड़ा ये लंबा हो जाए। अब ये हाथ में लेकर इस तरीके से हम थोड़ा लंबा कर लेंगे क्योंकि स्टफिंग हमें इसके अंदर भरना है। ऐसे अब मैंने जो स्टफिंग बनाया था 2 चम्मच के करीब मैं इसमें भर दूंगी। अब इसे हम अच्छे से बंद कर देंगे ऐसे धीरे धीरे। अब हम इसे थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर लेंगे और सूखा आटा लगा लेंगे। हल्के हाथों से हम इसे धीरे धीरे ऐसा बेल लेंगे, ज़्यादा हम दबाएंगे नहीं। अब हम इसे रोटी का आकार दे देंगे। पराठा थोड़ा मोटा ही रखेंगे हम। यह हमारा पराठा बेल कर रेडी हो गया है। अब हम इसे सेक लेंगे। गैस पर मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था, तो अब मैं इसमें पराठा डाल देती हूँ। और हम फ्लेम पे इसे धीरे धीरे हम सेकेंगे। अब पराठे को हम दूसरी तरफ पलट देंगे। अब हम पराठे के ऊपर थोड़ा घी लगा देंगे और इसे अच्छे से ऐसे पूरे पराठे के ऊपर फैला देंगे। इसको दूसरी तरफ पलट देंगे, उस तरफ भी हम घी लगा देंगे। अब
दोनों तरफ पलटते हुए थोड़ा हम पराठे को सेक लेंगे ब्राउन होने तक। पता जिस तरीके से हम इसे थोड़ा और सेक लेंगे। ये हमारा देखिए पराठा सेक कर रेडी हो गया है, हमारा अलसी का टेस्टी पराठा। अब हम इसे उतार लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी पराठे भी बना लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा अलसी का पराठा बनकर रेडी हो गया है। आप इसे घर पे बनाइए, इसे बनाने के लिए ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं होती है। इसे आप बच्चों को टिफ़िन में बनाकर दे सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं और बहुत ही पौष्टिक होता है। तीखी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, चाहे तो आप दही के साथ खाइए। और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।